चलिए स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं कैपिटल बजटिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बजटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह से इसका फ़ायदा उठाना है, वो हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। यहाँ इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है। कैपिटल से आप सब लोग पहले से ही वाकिफ हैं। बात करते हैं बजटिंग की। जो बजट है, उस बजट का मतलब क्या है? एक छोटी सी बात आप लोगों को बता देता हूँ कि बजट हम हमेशा फ्यूचर में होने वाले किसी प्रोजेक्ट, किसी इवेंट या कोई भी घटना जो फ्यूचर में होने वाली है, उसका अभी से अनुमान लगाना है। मिसाल के तौर पे मुझे घर बनवाना है, तो इस घर को बनवाने में कितना खर्चा आएगा, इसकी कंस्ट्रक्शन में कितना खर्चा आ सकता है, उसका पहले से अनुमान लगाना, दैट इज़ बजट। इसको बजटिंग बोलेंगे उस काम को करने को। और जो बनेगा, जो एस्टिमेशन होगा, उसको हम बजट बोलेंगे। मुझे कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है बिज़नेस का, कोई प्लांट लगाना है, कोई बिज़नेस शुरू करना है, तो उस प्रोजेक्ट में कितनी लागत आ जाएगी, कितना खर्चा आएगा। एक्चुअली वो ज़रूरी नहीं है कि जितना मैं अनुमान लगाऊंगा उतना ही आएगा, वो सिर्फ अनुमानित है, एस्टिमेशन है। हम एस्टिमेट करेंगे इतना खर्चा आ सकता है, वो बजटिंग है। तो यहाँ दो बातें हैं बजटिंग से लेकर के। पहली बात कि हम हमेशा फ्यूचर के लिए बजट बनाते हैं, कभी भी प्रेजेंट के लिए या जो पास्ट के लिए बजट नहीं बनता। दूसरी चीज़, बजट जो है ज़रूरी नहीं हमने जो बनाया है वो उतना ही खर्चा है। मिसाल के तौर पे मैंने अंदाज़ा लगाया कि घर बनाने में मेरा कितना खर्चा आएगा, और वो अंदाज़ा इस तरह से लगा कि मुझे एक घर बनाने के लिए 15,50,752 रुपये का खर्चा आएगा। तो क्या ये ज़रूरी है कि इतना ही खर्चा हो? इतना हो भी सकता है और इतना नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं। ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता, कम ज़्यादा भी हो सकता है इससे। तो जितना हम बजट बनाते हैं, जो हम अंदाज़ा लगाते हैं, जो हम एस्टिमेट करते हैं, उतना खर्चा हो भी सकता है, उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। ये बात क्लियर है। आगे की बात करते हैं, आगे चलते हैं इसको लेकर के। आपने अपने घर में हमेशा देखा होगा कि हर छोटी छोटी बात के लिए घर में बजट बनता है। यहाँ तक कि किचन का बजट भी बनाया जाता है कि जी जब सैलरी आती है, जिस जो इनके फैमिली में अर्निंग पर्सन जो हैं, जिनकी जॉब होगी, सैलरी मिलती होगी, तो वो बजट बनाते हैं कि जी मेरी सैलरी फॉर एग्जांपल अगर 50,000 रुपये की है, तो उसमें से मुझे 20,000 रुपये किचन के रखने हैं, 10,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल की सब जो है उसके लिए करने हैं पेमेंट के लिए। तो पहले से पहले अपने उस 50,000 रुपये को कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करना है, उसका बजट बना के रखते हैं। ठीक उसी तरीके से हम अपने बिज़नेस का बजट बनाना है, कैपिटल बजटिंग। तो हमें यहाँ ये सीखना है कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मुझे बजट बनाना हो कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मेरा कितना खर्चा आएगा, तो वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। फिर उस बजट का इवेल्युएशन होगा कि जो हमने बजट बनाया है वो हमारे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ठीक है या नहीं है। अगर वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए बेनिफिशियल होगा, हमारे प्रोजेक्ट के लिए फेवरेबल होगा, तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए बेनिफिशियल नहीं है, हमारे प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं है, तो हम उसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर हम उस बजट को स्क्रैप कर देंगे, हटा देंगे, फेंक देंगे, फिर दूसरा बजट बना देंगे। तो यहाँ दो चैप्टर हो गए हैं हमारे, पहला बजट बनाने का और दूसरा उस बजट को इवेल्युएट करने का। तो पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे बजट बनाने की, बजट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें सीखने की। दूसरे चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे उस बजट का इवेल्युएशन, उस बजट का इम्प्लीमेंटेशन। चलिए आगे की बात करते हैं। बजट बनाने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, और ये सभी तीनों की तीनों चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी। अगर पहली चीज़ में हमें फ़ायदा नज़र आएगा तो ही हम आगे दूसरी चीज़ की बात करेंगे, अगर दूसरी चीज़ में फ़ायदा नज़र आएगा तो ही आगे तीसरी चीज़ की बात करेंगे। यानी अगर पहली चीज़ में, पहले स्टेप में मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, तो मैं आगे की बात करूंगा ही नहीं। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे, मैं आपके लिए एक
बहुत अच्छी इनकम का एक ऑप्शन लेकर आया हूँ कि आप सब लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कहेंगे पहले बताइए क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। और मैंने कहा कि आपको हर महीने में 1,00,000 रुपये इनकम के दे सकता हूँ। तो छूटते ही आप क्या बोलेंगे कि सर किस तरह से हमें क्या करना होगा। तब मैंने आपसे कहा कि आपको 50,00,000 रुपये मुझे देने होंगे, मैं आपका एक प्रोजेक्ट शुरू कराऊंगा, उससे आपको 1,00,000 रुपये हर महीने मिलेंगे, यानी मंथली आपकी इनकम होगी 1,00,000 रुपये की। अगर आपकी पॉकेट में, अगर आपके पास 50,00,000 रुपये का अमाउंट है तो आप इस प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। अगर आपके पास 50,00,000 रुपये नहीं है या आप उसका कहीं से इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं तो आप उसके लिए पीछे हट जाओगे, आप मना कर दोगे कि हमें इस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट कोई दिलचस्पी नहीं है। अग्री करते हैं, आगे चलते हैं। मैंने कहा यह ऑप्शन पसंद नहीं आया, दूसरा ऑप्शन है आपके लिए, आप मुझे 1,00,000 रुपये दो। आपने कहा जी 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 सर 1,00,000 रुपये तो हम दे सकते हैं, किसी के पास पॉकेट मनी होगी, कोई अपने बड़े भाई से बहन से मम्मी पापा से लेकर के दे देगा। क्लियर है, आसान है हमें 1,00,000 रुपये देना, हमारे लिए हो सकता है किसी के लिए मुश्किल भी हो। तो 1,00,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करने का मौका मिले आपको और मैं आपसे कहूँ कि आपको हर महीने 20,000 रुपये की इनकम हो जाएगी तो शायद आपको कि सर जी अब ठीक है 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद कुछ इनकम होगी तो हम इंटरेस्टेड हैं। तो हमने जब पहली स्टेप देखी इन्वेस्ट करने की, जब मैंने बताया आपको 50,00,000 रुपये तो आपने मना कर दिया, हमने आपको उसके आगे कुछ बताया ही नहीं। जैसे ही मैंने आपको बताया कि आपको 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो आप एकदम से राजी हो गए क्योंकि आपकी पॉकेट ने आपको अलाउ किया कि हाँ आप ये प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है कि हम पहली स्टेप देखेंगे कि क्या ये बजट हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो उसमें पहली चीज़ होगी हमारे लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट कि स्टार्टिंग में मुझे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरे लिए फेवरेबल होगा, मेरे अकॉर्डिंग होगा, मेरी पॉकेट के अकॉर्डिंग होगा तो मैं इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करूँगा, अदरवाइज इस प्रोजेक्ट को मैं यहीं मना कर दूंगा कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चलिए अगर हमें निकालने हैं किसी भी प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो किस तरह से निकालेंगे इसकी बात करते हैं। सबसे पहली ज़रूरत होगी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की, जो हमें फिक्स असेट्स परचेज करनी होगी उसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स। मिसाल के तौर पर मुझे नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, उसके लिए मुझे एक मशीनरी की ज़रूरत है और वो मशीनरी है मेरी 5,00,000 रुपये की, तो मेरी लिए एक कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, ये देनी ही पड़ेगी मुझे। फिर अगर इस मशीनरी को काम करने लायक बनाना है तो इसको इंस्टॉलेशन कराना पड़ सकता है, अगर इसका इंस्टॉलेशन होगा तो वो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट भी आप इसके अंदर जोड़ देंगे, ये हम सबको पता है इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, मान लीजिएगा वो है 1,00,000, उसके अंदर आप ऐड कर देंगे। इससे भी जो पता चला कि मैं अगर ये प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहा हूँ तो मुझे कितने रुपए चाहिए, एग्जैक्टली 6,00,000 रुपये चाहिए। 5,00,000 रुपये उस फिक्स कॉस्ट के, जो असेट आपने परचेज करी फिक्स असेट उसकी कॉस्ट है, दूसरे उसके इंस्टॉलेशन के चाहिए मुझे 1,00,000 रुपये, तो मुझे चाहिए टोटल 6,00,000 रुपये। जी एक दूसरी सिचुएशन की हम बात करते हैं, क्या ये ज़रूरी है हर आदमी नया ही बिज़नेस शुरू करे। ऐसा भी तो हो सकता था कि मेरा पहले से ही कोई बिज़नेस चल रहा था और उस रनिंग बिज़नेस को मैं इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, मेरे पास एक मशीनरी थी इस प्रोजेक्ट की पहले से और उस मशीनरी पर मैनुअली काम हुआ करता था, अब मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट में एक ऑटोमेटिक मशीन आ गई है इस चीज़ के लिए। टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहती है, टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, मार्केट में एक नई मशीन भी आ गई है जो कि ऑटोमेटिक काम करती है, उस ऑटोमेटिक मशीन की वजह से जो मैन पावर है वो कम हो जाएगी, हमारे यहाँ लेबर की ज़रूरत कम होगी, दूसरी बात लागत भी कम आ सकती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, फ़ायदेमंद होगी हमारे लिए। तो मैं अगर इस पुराने प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, पुरानी मशीनरी को बेच करके एक नई मशीन ख़रीदना चाहता हूँ, तो ख़रीदनी तो पड़ेगी मुझे 6,00,000 रुपये की ही, लेकिन इस मशीन को ख़रीदने के लिए मेरे पास एक पुरानी मशीनरी थी, अगर मैं उसे बेच दूँ
तो लागत कम हो जाएगी ना। मान लीजिए मैंने उसको बेच दिया है, सेल प्राइस ऑफ ओल्ड असेट, मान लीजिए मैंने पुरानी असेट को बेच दिया और उसको बेचा है 2 लाख रुपए का, तो अब मुझे कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? जी बिल्कुल 4 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए की नई मशीन, 1 लाख रुपए का इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस, 6 लाख रुपए हो गए। 2 लाख रुपए की मैंने पुरानी मशीन बेची है, तो 2 लाख रुपए वहां से आए होंगे। जब वहां से 2 लाख रुपए आए हैं तो अब मुझे 6 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, बल्कि उन 6 में से 2 माइनस कर दो तो कितने बचे? एग्जैक्टली 4 लाख रुपए की जरूरत है। अभी इतनी बात खत्म नहीं हुई, आगे चलते हैं। जो ये मशीन मैंने 2 लाख रुपए की बेची है, मेरी अपनी मशीन थी, मेरे बिजनेस में इस्तेमाल हो रही थी, क्या ये ज़रूरी है कि वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2 लाख रुपए की ही लिखी हुई हो? हो सकता है मेरे यहाँ पर इसकी बुक वैल्यू जो है वो 2 लाख ना होकर के 1.5 लाख रुपए हो, और ये भी हो सकता है कि 1.5 लाख ना होकर के 2.5 लाख रुपए हो, कुछ भी हो सकता है। अगर मेरे पास इसकी कीमत थी 1.5 लाख रुपए, मैंने 1.5 लाख वाली मशीन 2 लाख रुपए में बेच दी है, तो मुझे जी 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, मुझे 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और अगर मैंने 2.5 लाख वाली मशीन 2 लाख में बेची है, तो मुझे यहाँ पर 50,000 रुपए का लॉस हो गया। ये बात तो क्लियर है। अब होता क्या है, जो ये मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने 1.5 लाख वाली मशीन को 2 लाख रुपए में बेचा है और मुझे 50,000 रुपए का जो ये प्रॉफिट हुआ है, जैसे ही गवर्नमेंट को ये पता चलेगा कि इसने 1.5 लाख वाला माल 2 लाख में बेच दिया, 50,000 रुपए कमा लिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई? वो तो आराम से बैठने वाली नहीं है ना, उसे क्या चाहिए? वो कहेगी तुमने 50,000 रुपए कमा लिए, लाइए हमारी झोली भर दीजिए। तो आप गवर्नमेंट को क्या देंगे? इस 50,000 रुपए के प्रॉफिट पर टैक्स दोगे। दूसरी तरफ अगर 50,000 रुपए का लॉस होता है बेचने पर, तो आपको क्या होगा? टैक्स नहीं देना, बल्कि उतने अमाउंट की उतने टैक्स की सेविंग हो जाएगी। लॉस होने से तो आपको टैक्स देना पड़ता, वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उस टैक्स की सेविंग हो जाएगी। बात क्लियर है? तो यानी अगर पुरानी मशीनरी को, पुरानी असेट को बेचने पर, मशीनरी बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, पुरानी मशीनरी को या पुरानी ओल्ड असेट को बेचने पर आपको प्रॉफिट होगा, तो टैक्स देना पड़ेगा। जब टैक्स देना पड़ेगा तो लागत तो बढ़ जाएगी, ये जो आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये बढ़ जाएगा, और अगर टैक्स आपको लॉस हुआ तो टैक्स सेविंग हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 चीज़ें देख लीजिएगा, अभी अगर आपको प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर, तो उसकी वजह से आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी टैक्स ऑन कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन हुआ है आपको, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर लॉस होता तो आपको टैक्स की सेविंग हो जाएगी, टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल लॉस। क्लियर है? यहाँ एक बात और बता दूँ आपको मैं, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चीज़ शुरू हुई है, ये वाली ये 3 चीज़ें सिर्फ तब आएंगी जब हमारे पास कोई पुराना प्रोजेक्ट था, उसको रिप्लेस करके हमने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। हमारे पास पुरानी कोई मशीनरी थी, उसको हटा करके कोई नई मशीन लेकर आए हैं, तब उस टाइम पे ये 3 चीज़ें आएंगी। क्या क्या? एक तो जो मशीन बेची है, जितने की बेची है उतना अमाउंट माइनस कर देंगे। दूसरी चीज़, उस पर अगर हमें कैपिटल गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो उस पर जो टैक्स गवर्नमेंट को दिया है वो प्लस कर देंगे। अगर हमें लॉस हुआ है तो जो टैक्स की सेविंग हुई है वो माइनस कर देंगे। ये 3 चीज़ें सिर्फ तब आएंगी अगर पुराने प्रोजेक्ट को रिप्लेस करके इम्प्रूव करने के लिए हमने नया प्रोजेक्ट लगाया है, सिर्फ तब। अदरवाइज सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। एक चीज़ और सुन लीजिए, आप कोई प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो क्या सिर्फ इतने से काम चल जाएगा? आप कहने लगे सर मुझे एक दुकान शुरू करनी है, बिजनेस करना चाहता हूँ, दुकान खोलनी है किसी भी चीज़ की, कंप्यूटर पार्ट्स की दुकान खोलनी है फॉर एग्जांपल, तो क्या आप जाकर के रोड पे ऐसे बैठ जाओगे? पहले आपने दुकान ख़रीदनी है या रेंट पे लेनी है, उसके लिए आपको कुछ फर्नीचर फिटिंग्स
फर्निशिंग करानी पड़ेगी, उनका इंस्टॉलेशन का खर्चा होगा, जो मशीनरी वगैरह आपने परचेज करी होगी, पुराने को छोड़ देते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ कैश, कुछ अमाउंट की भी ज़रूरत होगी, कुछ पैसा आपकी जेब में कैश की फॉर्म में भी होना चाहिए, जो ज़रूरत पड़ेगी बिज़नेस को चलाने के लिए, बिज़नेस के रनिंग के लिए कुछ स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी, यानी हमें जी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी वर्किंग कैपिटल की, तो आप यहाँ प्लस कर देंगे क्या, वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? इस वर्किंग कैपिटल की एक खास बात यह रहेगी, मान लीजिएगा मैंने नया बिजनेस शुरू किया है अभी अभी और मुझे वर्किंग कैपिटल की जरूरत है 50,000 रुपये, तो पूरे 50,000 रुपये चाहिए होंगे। अगर बिजनेस पहले से चल रहा था, ये वर्किंग कैपिटल की जरूरत है अब मुझे 50,000 रुपये की, और पहले से थे मेरे पास 20,000 रुपये, 20,000 रुपये की वर्किंग कैपिटल थी, अब कितने की वर्किंग कैपिटल की और जरूरत पड़ेगी? मुझे जरूरत थी एक्चुअली 50,000 रुपये की, पहले से है 20,000, तो अब कितने की जरूरत पड़ेगी मुझे? 30,000 रुपये वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब मुझे वर्किंग कैपिटल की नहीं, एडिशनल वर्किंग कैपिटल की जरूरत है जी। तो आप यहां पर लिख देंगे एडिशनल, मैंने स्टार मार दिया यहां पर। अगर रनिंग बिजनेस है तो आप एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगाएंगे, अगर न्यू प्रोजेक्ट है, नया काम है, सब कुछ नया है, तो फिर वो एडिशनल वर्किंग कैपिटल नहीं, वो सिर्फ वर्किंग कैपिटल होगी। ये बात क्लियर है तो बताइए। बजट की जो पहली चीज़ है, जो बजट बनाने का पहला स्टेप है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, वो हमने कैलकुलेट करना है इन चीज़ों से। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, हमें चाहिए फिक्स कॉस्ट, फिक्स असेट्स जितनी भी होगी उसकी कॉस्ट, जो फिक्स असेट्स हम परचेज करनी है उनकी लागत, उनको इंस्टॉलेशन कराने का खर्चा इसमें ऐड कर देंगे, इनफ है। इसके अंदर वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी वो ऐड कर देंगे, बस काम हो गया। अगर पहले से चलता हुआ कोई बिजनेस है, कोई प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो ऑल मशीनरी, ऑल फिक्स असेट्स जितनी भी हैं उनको आप बेच देंगे, उनकी लागत कम कर देंगे, उस पर अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो टैक्स की एडजस्टमेंट कर देंगे। तो यहाँ निकल कर आ जाएगा आपका कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना होगा इनिशियली इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है एक तरह से, ये एक तरह से हमारे लिए आउटफ्लो ऑफ कैश है, इतना कैश आपको लगाना होगा, उसके बाद जो है आप बिजनेस को, अपने प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, मैंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, अब क्या होगा? अब होगा उस प्रोजेक्ट से कैश का आना, कैश की इनफ्लो, इनकम मेरी। मैंने जो इन्वेस्टमेंट करा है, क्या मैं पागल हूँ, मैंने अपना पैसा ऐसे ही बहा दिया? हर चीज़ के पीछे एक मकसद होता है। इस इन्वेस्टमेंट का मकसद क्या है कि इस एक बार इन्वेस्ट करने के बाद मुझे कितने साल तक और कितना रुपया मिलेगा। मान लीजिए मुझे पता चला कि ये इन्वेस्टमेंट, ये प्रोजेक्ट 10 साल का है, तो मैं अगर पहले साल के शुरू में ये अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ तो अगले 10 साल में हर साल मुझे कुछ अमाउंट मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। सब्सिक्वेंटली मुझे इतना कैश इनफ्लो होगा हर साल। जैसे ही मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू करा, साल के शुरुआत में इतना मैंने खर्चा कर दिया, ये मेरा आउटफ्लो हो गया, मेरे पास से पैसा गया, तो हर साल मुझे इतना इनफ्लो होगा, मेरे पास इतना पैसा हर साल आएगा, उसकी कैलकुलेशन अब हमें सीखनी है। ये बात क्लियर है? ये जो इनफ्लो है, ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम अपने मेथड को अप्लाई करेंगे, जहाँ इन्फॉर्मेशन होगी डायरेक्ट मेथड वाली वहाँ डायरेक्ट मेथड से अप्लाई करेंगे, और जहाँ की इन्फॉर्मेशन होगी इनडायरेक्ट वाली वहाँ हम इनडायरेक्ट मेथड को अप्लाई करेंगे, और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा या हमारा बजट बन जाएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड को सोल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है, हमारे पास जो इनकम होगी वहाँ से शुरुआत करेंगे, हमें दे रखी होगी सेल, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट से, किसी भी बिजनेस से जो इनकम होती है वो उसकी सेल से होती है।
रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो सेल से जनरेट होगा। तो जो सेल होगी वो हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करने वाली चीज़ है, वो इनफ्लो है। इस सेल में से अगर हम माइनस कर देंगे दो एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस, अगर हम दोनों ही एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमारे पास इनकम आ जाएगी, ये नेट इनकम इतनी हुई है। क्लियर? आप हमारे पास दो तरह की जो है, दो तरह के खर्चे हैं, दो तरह के एक्सपेंसेस हैं। एक है वेरिएबल एक्सपेंस और एक है फिक्स्ड एक्सपेंस। अगर मैं दोनों को ही माइनस कर दूं तो हमारे पास नेट इनकम आ गई। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरिएबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं, आपको सब कुछ पता है, लेकिन मैं थोड़ी सी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर, जिनके बदले में हमने कुछ पैसा, कुछ कैश जो है या चेक के थ्रू हमने कुछ अमाउंट पे किया। फिक्स्ड एक्सपेंस वो है जिनके लिए हमने कुछ अमाउंट पे करा, लेकिन ये वो खर्चे हैं जिससे हमारी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर रेंट है हमारी शॉप का, तो रेंट हमें देना ही देना है, चाहे हमारी सेल जो है वो 1 लाख रुपए की हो, चाहे 2 लाख रुपए की हो, चाहे ना हो, चाहे कम हो, चाहे ज़्यादा हो, रेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिक्स एक्सपेंस, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। अगर हमने ज़्यादा माल बेचना है तो ख़रीदना भी ज़्यादा पड़ेगा, ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गए, जो हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से, हमारी सेल के हिसाब से बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। यानी दोनों ही एक्सपेंसेस के लिए हमने कुछ ना कुछ कैश पे किया होगा। फिर एक खर्चा ऐसा भी आता है हमारा जिसके लिए हमने कोई कैश पे नहीं करा है, कोई अमाउंट हमने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी वो खर्चा है, तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। वो क्या है? वो है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए मैंने कोई खर्चा माइनस नहीं करा, सॉरी कोई कैश पे नहीं करा, इसलिए वो ना तो फिक्स में आया ना वेरिएबल में आया, अलग से उसको मैंने माइनस करा है, क्योंकि उसके लिए मैंने कोई कैश नहीं दिया है, वो नॉन कैश चार्जेस में जाएगा, उसको मैंने अलग से माइनस कर दिया है। क्लियर? यहाँ तक की बात। हमने सेल में से माइनस किया वेरिएबल एक्सपेंस, फिक्स्ड एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया है। जब डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो अब हमारे पास एक्चुअल में आ गया है नेट प्रॉफिट। जैसे ही नेट प्रॉफिट आया, वो नेट प्रॉफिट आपका तो नहीं है, आप कहोगे सर हमारा ही तो है, हमने तो शुरू करा था, ये हमारा प्रोजेक्ट था, ये हमारा नहीं है तो किसका है? जी है तो आपका, लेकिन इतना अमाउंट जो है वो आप अपने घर लेकर के नहीं जा सकते। जैसे ही गवर्नमेंट को पता चलेगा कि आपने कुछ माल बेचा है, कुछ सेल जनरेट हुई है, कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसमें से आपने इतने एक्सपेंस माइनस कर दिए, इतने एक्सपेंस माइनस कर दिए, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो नेट अमाउंट आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया, तो गवर्नमेंट कहेगी अब हमारा हिस्सा भी तो दो। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी, तो आप यहां पर माइनस कर देंगे क्या इसमें से? टैक्स। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। अभी तक हमने जितना भी काम किया है टैक्स माइनस करने तक, वो सब समझ में आ गया सबको। अब एक चीज़ एक्स्ट्रा करने वाले हैं जो कि आपने अभी तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शायद नहीं देखी होगी, तब कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा, इसलिए ध्यान देना है यहाँ पर। जो डेप्रिसिएशन हमने माइनस करा था उसको हमें यहाँ पर दोबारा जोड़ देना है। अब सवाल सबके दिमाग में आ रहा, क्यों? आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्यों? यहाँ जब हमने माइनस करा था इस डेप्रिसिएशन को, तो यहाँ प्लस क्यों कर रहे हैं? अब समझिए इस चीज़ को। ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, ये आपको नहीं लगता कि दो बार माइनस हो गया? डेप्रिसिएशन क्या है एक्चुअली? इस फिक्स्ड असेट की, इसका ब्रेकअप। ये अगर 10 साल के लिए खरीदी हमने 5 लाख रुपए की, तो हर साल कितनी घट रही है? 50,000 रुपये की। मैं अगर उसे 50,000 रुपये को यहाँ भी घटा रहा हूँ और यहाँ इकट्ठे भी देख रहा हूँ 10 साल के लिए, तो दो दो जगह दिखा रहा हूँ ना, तो मैं गलती कर रहा हूँ। या तो यहाँ पर दिखाऊँ इन्वेस्टमेंट में, आउटफ्लो में, या यहाँ पर दिखाऊँ, एक ही जगह दिखा सकता हूँ। तो इसलिए, क्योंकि मैंने इसको यहाँ दिखा रखा है, इसलिए मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए इस माइनस के फिगर को मैंने प्लस के फिगर से ख़त्म कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब आप कहोगे कि सर जब ख़त्म ही करना था तो घटाया क्यों था? यह सवाल भी जायज़ है कि जब हमें इसे ख़त्म ही करना था,
इसको प्लस करना ही था डिप्रिसिएशन को यहाँ से हटाने के लिए, तो उसको माइनस करा ही क्यों था, माइनस ही ना करते, सिर्फ इतना रहने देते, सीधा टैक्स माइनस कर देते, कैलकुलेशन गलत हो जाती। क्यों? देखिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिएगा, मान लीजिए मेरी सेल है 200 रुपए की, फिक्स्ड कॉस्ट है 60 रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट है 30 रुपए की, मैं माइनस में शो कर देता हूँ क्योंकि ये माइनस की फिगर है। कुल कितने रुपए हो गए ये, इसको कर लेते हैं 40, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, या 30 ही रहने दीजिए, चलिए डिप्रिसिएशन भी हमारे पास, ये हो गए हैं 90 रुपये, 110 रुपये। अगर मैं 110 रुपये पर टैक्स दूंगा और 10% टैक्स है तो कितना आएगा, 11 रुपये। एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, सेल है 200 रुपये माइनस फिक्स्ड कॉस्ट है 60 रुपये माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 30 रुपये, मेरे पास अब तक की इनकम हो गई है 110 रुपये, माइनस कर देता हूँ उसमें से डिप्रिसिएशन जो कि है फॉर एग्जांपल 10 रुपये, कितना बचा, 100 रुपये। टैक्स देना होगा मुझे 10% जो कि आ गया 10 रुपये, 90 रुपये की मेरी नेट इनकम हो गई। यहाँ पर हुई थी नेट इनकम 100 रुपये की। एक्चुअल क्या हुआ है, जो टैक्स हमने कैलकुलेट करा है वो उस अमाउंट पर करा है जो डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद आया है। हमने डेप्रीसिएशन को माइनस करा, जो अमाउंट आया है उस पर हमने टैक्स दिया है। यहाँ पर हमने जो टैक्स कैलकुलेट करा था बिना डेप्रीसिएशन के माइनस किया था, तो हमारे पास क्या हुआ, टैक्स ज़्यादा बना, 11 रुपये का टैक्स है, यहाँ पर 10 रुपये का टैक्स है। जब गवर्नमेंट ने हमें ऑप्शन दिया है कि आप टैक्स पे करने के लिए डेप्रीसिएशन को माइनस कर सकते हो, तभी तो हमने डेप्रीसिएशन को माइनस करा। हमें गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया है, सरकार ने हमारी ये ऑप्शन दिया है हमें कि अगर आप टैक्स देना चाहते हो इनकम पर, तो उस इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आप डेप्रीसिएशन घटा सकते हो, तो हम डेप्रीसिएशन को घटा करके टैक्स दें या बिना डेप्रीसिएशन घटाए टैक्स दें, आप खुद बताइए। हमारा फ़ायदा इस तरह से टैक्स देने में है या इस तरह से टैक्स देने में है? हमारा फ़ायदा ऑब्वियसली इस तरह से टैक्स देने में होगा। जब इस तरह से टैक्स देने में होगा तो हमने डेप्रिसिएशन को माइनस करा ताकि कैलकुलेट कर सकें इनकम टैक्स को। डेप्रिसिएशन माइनस किया तब हमने टैक्स कैलकुलेट करा, क्लियर है? फिर उस डेप्रिसिएशन को प्लस क्यों करा, इसी डेप्रिसिएशन को मैं दोबारा से प्लस क्यों करा, क्योंकि ये अब हम फाइनेंस की बात नहीं कर रहे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट की। यहाँ तक हम पहुँचे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद डेप्रिसिएशन को प्लस कर रहे हैं ताकि एग्जैक्ट अमाउंट पता चल सके इनफ्लो का, और डेप्रिसिएशन को दोबारा इसलिए हटाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पर पहले ही दिखाया जा चुका है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलते हैं। तो आप इस डेप्रिसिएशन को दोबारा से प्लस करेंगे, ये कैलकुलेशन में हटा देता हूँ यहाँ से। क्लियर? ये तो था यहाँ तक का मसला। इसके बाद क्या करते हैं हम, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो में किसी साल में किसी वर्ष में एक चीज़ और आ सकती है, ये हमेशा नहीं होगी, हर साल नहीं होगी, कभी कभार हो सकता है। आप याद कीजिए जब हमने अपने प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन की बात करी थी तो यहाँ पर एक सिचुएशन आई थी कि हमने अपने पुराने प्रोजेक्ट को, पुरानी मशीनरी को, पुरानी असेट को बेच करके नई असेट परचेज करी थी। ऐसे भी तो हो सकता है कि हम आगे चल करके तीसरे साल में, चौथे साल में, पाँचवें साल में, किसी भी एक साल में या दो तीन साल में हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारी मशीनरी है उसको बेच करके नई मशीन लेकर आएँ, या कोई नई एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आएँ, या मशीन का कोई पार्ट ऐसा होगा, मशीन चलेगी 10 साल, ये पार्ट चलेगा सिर्फ 3 साल, उसके बाद उसको रिप्लेस करना होगा, बिल्कुल हो सकता है। तो वो क्या है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन वो हर साल नहीं होगा, वो किसी तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल, किसी एक साल में हो सकता है। तो अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ तो आप उसको भी माइनस कर देंगे उस पर्टिकुलर ईयर में से,
ये हर साल माइनस नहीं होगा, यह सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर में माइनस होगा जिस साल में हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ होगा। यहाँ तक कोई परेशानी है तो बताइए, क्लियर है? आगे चलते हैं। ये था इसका डायरेक्ट मेथड। हम इसको एक दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं जिसको हम इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। जी, बात करते हैं अब हम सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो कैलकुलेट करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड की। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ होगा, इस नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन हुई होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग। अब फाइनेंशियल वालों ने जिस तरह से इसकी कैलकुलेशन की होगी, उन्होंने क्या होगा, उन्होंने इसमें से टैक्स माइनस कर रखा होगा, क्योंकि उनको उनको तो जो नेट प्रॉफिट चाहिए वो टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से चाहिए। उन्होंने हर वो चीज़ माइनस कर रखी होगी शायद जो हमें नहीं करनी थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उल्टा चलेंगे, नेट प्रॉफिट से ऊपर की तरफ चलेंगे। जो चीज़ नेट प्रॉफिट करने के लिए उन्होंने माइनस की थी और हमें माइनस नहीं करनी थी, हम उसको प्लस कर देंगे। बात क्लियर है? चलिए, इस नेट प्रॉफिट का मतलब है कि उन्होंने हमें यहाँ तक की कैलकुलेशन करके दे रखी है। उन्होंने हमें कहाँ तक कैलकुलेशन करके दे रखी है, टैक्स तक की। तो इसके बाद की जो कैलकुलेशन है वो हम दोबारा शुरू कर देंगे यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो डेप्रिसिएशन है उन्होंने भी माइनस किया हुआ होगा, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए फाइनेंशियल वालों ने भी माइनस किया हुआ होगा, तो आप इस वाले डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात, कि डेप्रिसिएशन हमने प्लस कर दिया। ये तो कोई नई बात नहीं बताई मैंने, ऊपर वाले जो डायरेक्ट मेथड था उसी बात को यहाँ पर रिपीट किया है, कुछ भी नया नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ एक चीज़ और ऐड कर देंगे हम, वो है इंटरेस्ट। आप कहेंगे सर इंटरेस्ट क्यों प्लस कर दिया, अगर इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए मैंने कोई लोन लिया था, उस लोन पर मुझे कोई अगर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो वो कॉस्ट, वो लागत किसकी है, क्या वो इस प्रोजेक्ट की लागत है या वो फाइनेंस की कॉस्ट है? ऑब्वियसली वो फाइनेंस की कॉस्ट है, वो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो है नहीं, वो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो है नहीं, वो फाइनेंस कॉस्ट है। और जब वो फाइनेंस कॉस्ट है तो उसकी वजह से हमारे इस प्रोजेक्ट पर फ़र्क क्यों पड़ना चाहिए? मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट दिया मैंने 40,000 रुपये का, 40,000 रुपये का इनफ्लो कम हो जाएगा मेरा अगर मैं उसको यहाँ माइनस कर देता हूँ। तो अगर 40,000 रुपये का इनफ्लो कम हो रहा है, 40,000 रुपये का प्रॉफिट कम हो रहा है, 40,000 रुपये की अर्निंग कम हो रही है, तो हमें देखने में क्या लगेगा, इस प्रोजेक्ट की वीकनेस है वो, जबकि वो तो इस प्रोजेक्ट की वीकनेस नहीं, वो तो हमारी वीकनेस है। अगर हमारे पास सफिशिएंट फंड होता, सफिशिएंट अमाउंट होता, मुझे ज़रूरत ही ना होती लोन लेने की, तो 40,000 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट होता ना। तो वो 40,000 रुपये का जो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं वो प्रोजेक्ट की वीकनेस नहीं है, तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट नहीं है। जब प्रोजेक्ट की कॉस्ट नहीं है तो हम उसको माइनस क्यों करें यहाँ पर? तो जो फाइनेंस वालों ने इंटरेस्ट माइनस किया हुआ था, हम उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, उसको ऐड बैक कर देंगे। क्लियर है तक की बात? अब कितना इंटरेस्ट कल हमें जोड़ना है, कितना इंटरेस्ट प्लस करना है, क्या जितना दिया था सारा का सारा उतना नहीं। देखते हैं कैलकुलेशन में क्या होता है। मान लीजिए मुझे प्रॉफिट हुआ है बिफोर इंटरेस्ट 110,000 रुपये का, मान लीजिए अब 110,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया मैंने, इसमें माइनस कर देंगे आप इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की जो लागत आई है मेरी, यहाँ माइनस कर दे रहा हूँ, वो आई है फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये। कोई दिक्कत? इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1,00,000 रुपये। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिफोर इंटरेस्ट है और ये आफ्टर इंटरेस्ट है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। आगे की बात करते हैं, बिफोर इंटरेस्ट मेरा प्रॉफिट था 1,10,000 रुपये का, आफ्टर इंटरेस्ट मेरा प्रॉफिट है 1,00,000 रुपये का। मान लीजिए मुझे टैक्स देना है 40%, तो 1,00,000 रुपये का 40% टैक्स कितना होगा जी, 40,000 रुपये। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 40,000 रुपये का जो टैक्स है वो माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट कितना हुआ हमें, 60,000 रुपये का। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।
एक दोबारा कैलकुलेशन चेक करते हैं। मान लीजिएगा वही प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है हमारा 110,000 रुपये का, मुझे यहाँ से लिखने में दिक्कत हो रही है, मैं दर से ही लिखता हूँ, 110,000 रुपये का इंटरेस्ट जब की बार था, मान लीजिए वो नहीं है, इंटरेस्ट हमारा नील है ही नहीं, तो आफ्टर कितना हुआ हमारा, वही 110,000 रुपये। अब की बार जो हमारा टैक्स देना होगा 40%, वो कितना आएगा 11,10,000 रुपये का, 44,044,000 रुपये का हमारा जो टैक्स आ गया। तो अब की बार जो प्रॉफिट आया वो कितना आया, घटाइए इसमें से 66,000। अब आप ये देखिए, अगर मैंने इंटरेस्ट दिया है तो प्रॉफिट आया है 66,000 रुपये का, अगर मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया है तो प्रॉफिट आया 66,000 रुपये का, 66,000, दोनों में डिफरेंस कितना रहा है 6,000 का। थोड़ी सी कैलकुलेशन अजीब से लग रही होगी आपको देखने में भी, ये जो इंटरेस्ट है 10,000 रुपये का है, अगर दिया तो 10,000 रुपये दिया, नहीं दिया तो 10,000 रुपये नहीं दिया, तो फाइनल डिफरेंस हमारे हिसाब से लग रहा था हमें कि आना चाहिए था 10,000 रुपये का, क्योंकि हमने इंटरेस्ट नहीं दिया 10,000, सॉरी यहाँ पर इंटरेस्ट दिया 10,000, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिया 10,000, तो फाइनल डिफरेंस भी 10,000 का ही आना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या है, एक्चुअली डिफरेंस आया है 6,000 रुपये का, बाकी के 4,000 कहाँ गए, वो फ़र्क हुआ है टैक्स की वजह से। जब हमने इंटरेस्ट दिया था तो टैक्स भी कम दिया था, जब हमने इंटरेस्ट नहीं दिया था इनकम ज़्यादा हुई थी तो टैक्स भी ज़्यादा हुआ था, इसका मतलब अगर हमारा टैक्स है 40% तो इंटरेस्ट पे जो अमाउंट हमने सेव किया वो कितना किया है 60%। 40% अगर हमने टैक्स नहीं दिया तो 60% की कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, यहाँ तक की बात तो क्लियर है। आगे चलते हैं, ये जो इंटरेस्ट है यहाँ पर हमने कितना दिया था 10,000, यहाँ पर हमने दिया नहीं था, इसकी वजह से इंटरेस्ट की वजह से टैक्स की वजह से कैलकुलेशन पे जो इफेक्ट पड़ा था वो कितना पड़ा था 40 की वजह से 60% बचा था 6,000 रुपये का। तो अगर हमें उसको वापस जोड़ना है, वापस ऐड करना है, तो कितना करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, इसका इफेक्ट करेंगे। मान लीजिएगा इंटरेस्ट है हमारा, हमारा जो टैक्स है वो है 20%, तो इंटरेस्ट कितना ऐड करेंगे 80%, अगर टैक्स है हमारा 30%, इंटरेस्ट कितना प्लस करेंगे हम 70% करेंगे इस रेशो के अकॉर्डिंग, ठीक। अगर हमारा टैक्स है 50, तो खैर बराबर ही हो जाएगा, अगर टैक्स है हमारा 25% तो इंटरेस्ट कितना करेंगे हम 75%, 75% ऐड कर देंगे, बात क्लियर है। तो इसको कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट से, अपना पा जाएगा टैक्स रेट को जब 1 से माइनस कर दोगे तो वो डेसिमल में वही फ्रैक्शन आ जाएगी, क्लियर है अली बात। तो ये कैलकुलेशन में यहाँ से मिटा देता हूँ एक बारी, इनडायरेक्ट मेथड से हमने यहाँ तक का काम कर लिया, इससे डेप्रिसिएशन तक का, क्योंकि ये इंटरेस्ट फाइनेंस की कॉस्ट है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट नहीं है, इसलिए इसको हमने यहाँ पर प्लस करा है। अगर ये हमें इंटरेस्ट यहाँ पर इस वाले हिसाब से भी दे रखा होता, डायरेक्ट मेथड से भी दे रखा होता, तो हम उसको यहाँ पर शो नहीं करते, ना वेरिएबल कॉस्ट में आती है वो वेरिएबल एक्सपेंस में, ना ही फिक्स एक्सपेंस में आती है वो, और नॉन कैश तो वो है नहीं, तो नॉन कैश पर तो हम बात ही नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, तो इस नेट प्रॉफिट की वजह से इंटरेस्ट माइनस हुआ हुआ ज़रूर होगा, इसलिए उस इंटरेस्ट को प्लस करेंगे, लेकिन 100% इंटरेस्ट प्लस नहीं करेंगे, बल्कि उस इंटरेस्ट का कितना इफेक्ट पड़ा होगा वो टैक्स पर डिपेंड करता है, जितना टैक्स दे रखा होगा उसके फ्रैक्शन के, उसके रेशियो के हिसाब से इंटरेस्ट को हम प्लस कर देंगे, बात क्लियर है। अब इसमें एक बात और बचती है, वही आखिर वाली कैपिटल एक्सपेंडिचर की, अगर जो आपको बताया था कि किसी किसी साल में हो सकता है, अगर हुआ तो माइनस कर देंगे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को, मैंने यहाँ स्टार बना दिया ताकि आपको याद रहे, क्लियर है, नोट डाउन कीजिए। अब आगे चलते हैं, इसमें तीसरी चीज की बात करते हैं। पहला था इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि हमारा आउटफ्लो था, मान लीजिए अगर 10 साल का प्रोजेक्ट है तो ये 0 साल की चीज़ है,
ज़ीरो ईयर यानी जहाँ साल की शुरुआत है वहाँ पर हमने ये काम किया था, बिल्कुल शुरुआत में तो ज़ीरो ईयर मान लेते हैं उसको हम, ये हमने आउटफ्लो किया था, ये सारी कैलकुलेशन उसकी थी। दूसरा था सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, अगर 10 साल का प्रोजेक्ट है तो पहले साल से लेकर के 10 साल तक ये इनफ्लो हमें रिसीव होता रहेगा, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, तीसरा है हमारा टर्मिनल इनफ्लो। एक बार ये समझ लेते हैं फिर कैलकुलेशन देखते हैं इसकी। मान लीजिए ये प्रोजेक्ट हमने लगाया था 10 इयर्स के लिए, 10 साल के लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था अपना, जीरो ईयर में हमने आउटफ्लो किया इतना अमाउंट, फिर हर साल मान लीजिए 10 इयर्स के लिए था ये प्रोजेक्ट, तो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में, सिक्स्थ ईयर में, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, लगातार हर 10 साल तक ये हर साल ये इनफ्लो में रिसीव होता रहा, जिसकी कैलकुलेशन ये थी। क्लियर है? अब 10वें साल में जब हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इस प्रोजेक्ट से और अमाउंट रिसीव हो सकता है वो करेंगे। जैसे ये प्रोजेक्ट जब हमने परचेज किया था तो ये फिक्स असेट हमने परचेज की थी, जब ये फिक्स असेट परचेज की थी तो इसकी जो लाइफ थी वो 10 इयर्स थी, अब 10 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो ये मशीन धुआं बनकर तो उड़ नहीं गई होगी, मशीन तो अभी भी एग्जिस्ट करती होगी, बस अब वो वर्किंग पोजिशन में नहीं है, अब उसको हम क्या बोलेंगे, वो उसका स्क्रैप बन गया है। तो आप क्या करेंगे उन तमाम चीज़ों से, जैसे इसका स्क्रैप हो गया या कोई और कैलकुलेशन अगर होगी, कोई और चीज़ ऐसी होती है तो उससे कितना अमाउंट हमें रिसीव होगा वो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ये भी इनफ्लो ही है, ये भी इनफ्लो है, ये भी इनफ्लो है, ये आउटफ्लो था। क्लियर? चलिए यहाँ बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ क्या है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ न्यू असेट। अब आप कहोगे न्यू असेट, ये न्यू असेट मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, ये न्यू असेट वो है जो हमने यहाँ परचेज की थी, जो यहाँ परचेज की थी उस टाइम पे न्यू थी, आज न्यू नहीं है ये, लेकिन मैंने न्यू इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, ये था सिर्फ स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू उस असेट की है जिसको आपसे 10 साल पहले हमने परचेज किया था, आज वो स्क्रैप बन गई तो उसका हमें कितना अमाउंट रिसीव होने वाला है वो यहाँ पर लिख देंगे हम। क्लियर? दूसरी बात ये, फिर वही बात चलती है जो यहाँ पर आई थी, जितना अमाउंट हमारी बुक में लिखा हुआ है क्या ये ज़रूरी है कि ये स्क्रैप में उतने की ही जाएगी, ये ज़्यादा की भी जा सकती है या कम की भी जा सकती है, ज़्यादा की जाएगी तो फिर वही कैपिटल गेन, अगर कम की जाती है तो फिर वही कैपिटल लॉस, और अगर हमें गेन होता है, हमें प्रॉफिट होता है इस स्क्रैप को बेचने पर तो फिर से वही सरकार अपना झोला लेकर हमारे पास आ जाएगी और क्या कहेगी, लाइए हमारी झोली में कुछ डाल दीजिए, तो आपको सरकार को भी फिर से टैक्स देना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो अगर आप इसको बेचने पर आपको प्रॉफिट होता है और आपको कैपिटल गेन हुआ है तो टैक्स देना पड़ेगा, जब टैक्स देना पड़ेगा तो आप उसको माइनस कर देंगे, क्लियर है, आपने माइनस कर दिया टैक्स ऑन कैपिटल गेन। क्यों माइनस किया है हमने, क्योंकि जितने का ये प्रोजेक्ट बिका है हमारा, सॉरी प्रोजेक्ट नहीं, स्क्रैप जितने का बिका है, उस स्क्रैप में अगर प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट पर सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, तो यहाँ जो अमाउंट रिसीव हुआ है, फॉर एग्जांपल ये हमने बेची थी 20,000 रुपये की मशीन थी, प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट के बाद 20,000 में से 1,000 रुपये हमने गवर्नमेंट को टैक्स के दे दिए हैं, तो अल्टीमेटली हमें कितना अमाउंट मिला, 19,000 रुपये, इसलिए जो टैक्स हमने गवर्नमेंट को दिया है वो माइनस कर देंगे एग्जैक्ट अमाउंट निकालने के लिए। क्लियर? अगर लॉस हो जाता, इसी प्रोजेक्ट को बेचने पर लॉस हो जाता, जितने की बुक में इसकी वैल्यू है या जितने का हमने इसको स्क्रैप माना हुआ था उससे कम का ये बिका है, लॉस हो गया, तो वहाँ पर हमें वही सेविंग हो जाएगी, सेविंग ऑन कैपिटल लॉस। क्लियर? यहाँ तक तो कोई परेशानी होगी नहीं। आगे चलते हैं, ये जो वर्किंग कैपिटल थी हमारी, इसको हमने ब्लॉक किया हुआ था, हमने फॉर एग्जांपल वर्किंग कैपिटल के 2,00,000 रुपए फिक्स किए हुए थे। इसमें क्या होता था कि जब 2,00,000 रुपए फिक्स थे
हमने माल बेचा, डेटर्स को फाइनेंस किया, पैसा हमारे पास आया, रिकवर हो गया, उसके बाद हमने फिर से उसको बिजनेस में लगा दिया। इन्हें 2 लाख रुपए को हटाया नहीं बिजनेस से, कभी निकाले नहीं थे ये बिजनेस के अंदर रोटेट कर रहे थे बट बिजनेस से बाहर नहीं गए थे ये, चाहे स्टॉक की फॉर्म में रहे थे चाहे डेटर्स की फॉर्म में रहे, पर रहे ये बिजनेस के पास ही। अब जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जितना ये वर्किंग कैपिटल हमारी बिक जाएगी तो वर्किंग कैपिटल का अमाउंट होगा उसको वापस इसमें प्लस कर देंगे, क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल का जो अमाउंट होगा ये तो हमारा अमाउंट हो जाएगा, मैं कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यह होगा जो टर्मिनल फ्लो होगा, टर्मिनल इनफ्लो जो होगा, जो अमाउंट रिसीव होगा उसमें ये स्क्रैप का अमाउंट तो मिलेगा मिलेगा, साथ साथ वो वर्किंग कैपिटल का अमाउंट जो हमने यहाँ पर एक तरीके से फिक्स किया हुआ था वो भी तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट तो कम्प्लीट हो चुका है ये। जब प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो गया तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, जब नहीं है तो वो वर्किंग कैपिटल हमें मिल जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल को भी आप इसमें ऐड कर देंगे, हालत तो कोई परेशानी है नहीं, क्लियर है। आगे चलते हैं, 10वें साल में क्या होगा, जिस साल हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म होगा उस साल हमें टर्मिनल कैश इनफ्लो तो मिलेगा मिलेगा, जो टर्म के एंड में मिलता है, जो प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने पर मिलता है, और ये वाली किस्त भी मिलने वाली है सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो की। तो इसका मतलब ये होगा कि 10वें साल में 2+3 ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, ये तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में ये भी मिलेगी। तो किसी किसी क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो या तो इन दोनों को जोड़कर दिखाएगा या अलग अलग भी बता सकता है कि सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो इतना है और टर्मिनल कैश फ्लो सिर्फ इतना है इसको छोड़ते हुए, बात क्लियर है। आप दोनों को जोड़कर दिखा देंगे तो भी ठीक है, आप दोनों को अलग अलग दिखाएंगे तो भी ठीक है। 10वें साल की बात कर रहा हूँ मैं, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 0 ईयर में जिस साल हम इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे उस साल हमें इतना आउटफ्लो करना होगा, दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट। साल के शुरुआत में हमें अपने प्रोजेक्ट के शुरुआत में कितना इन्वेस्ट करना है, कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी थी। उसके बाद हमने अंदाज़ा लगाया था, एस्टिमेट लगाया था कि ये प्रोजेक्ट चलने वाला है हमारा 10 साल, 10 साल तक ये प्रोजेक्ट हमें ये इनफ्लो देता रहेगा, इसको हमने सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो बोला था। इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी थी डायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से। 10वें साल में यानी 10 साल पूरे हो जाने के बाद, ये टर्म कंप्लीट हो जाने के बाद टर्मिनल कैश फ्लो मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, इस प्रोजेक्ट को बेच करके, इसको स्क्रैप करने के बाद, इस कबाड़े को बेचने के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, इस पर कैपिटल गेन लॉस हुआ होगा तो उसकी एडजस्टमेंट कर देंगे, साथ में जो वर्किंग कैपिटल हमने ब्लॉक की हुई थी वो वर्किंग कैपिटल हमें मिल जाएगी। क्लियर है, उम्मीद है आप सबको सब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, इसको नोट डाउन कीजिएगा। इससे बेस्ट हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी और उसके बाद हम अगले चैप्टर पर चलेंगे।